हेलो, मैं फरहीन वेलकम करती हूँ अपने चैनल जायकेदार में। आज मैं आपके साथ मुंबई की स्पेशल स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन बैदा रोटी, जो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही डिलीशियस होती है। तो चलिए हम इस बैदा रोटी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें इस चिकन की फिलिंग को रोटी में स्टफ़ करना है, तो ऑयल हमें कम से कम यूज़ करना है। इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया है, इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। चिलीज हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम रेड चिली का भी यूज़ करेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले की कच्चेपन की फ्रेग्रेंस उड़ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून। इन सभी चीज़ों का हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और लेड लगा के इसे 10 मिनट स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। 10 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन भी अच्छी गल गई है क्योंकि कीमा था तो ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। अब इसे भून लेंगे, इसे हम कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, चिकन भी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिया हमें अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आता है और खुशबू भी। और बस धनिया ऐड करते ही और लाइम वाटर ऐड करके हम फ्लेम को कर देंगे बंद। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अंडे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने लिए हैं 1-2 अंडे। अब इसमें ऐड करेंगे स्क्वायर चॉप्ड अनियन, इधर मैंने 1 बड़ी प्याज को स्क्वायर चॉप कर लिया है और ग्रीन चिलीज बारीक कटी हुई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा हमें इसे चटपटा ही बनाना है तो ग्रीन चिलीज ऐड ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया अच्छी ज़्यादा सी क्वांटिटी में और हमारी चिकन की जो फिलिंग रेडी की थी ये भी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। ये भी लेंगे 4 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैंने इसमें 2 और ऐड की हैं। देखिए हमें इतनी रखना है। मैंने लिया है इधर 2 कप मैदा इसकी रोटियों के लिए और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट और पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे, लेकिन हमें इसे पतला नहीं गूंदना है, हमें इसे मीडियम गूंदना है, जो हमें नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं उस तरीके से। इसे अच्छे से गूंद लेंगे और इसे रेस्ट होने देंगे फॉर 15 मिनट्स। आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा चिकन और अंडे का भी फिलिंग रेडी है, पहले इसे सरफेस पे से रख के फ्लैट कर लेंगे और इसे नॉर्मल जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह हम इसे बेलेंगे। रोटी भी हमें मीडियम ही बेलना है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं और इसमें सेंटर में हमें प्लेस करना है चिकन और अंडे का फिलिंग मिक्सचर। देखिए मैंने इधर ऐड किया 2 टेबलस्पून, ये सफिशिएंट है इतना, और इसकी साइड से इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और अब इसे तवे पे सेक लेंगे। पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल क्योंकि हमें इसे शैलो फ्राई करना है। इसे मीडियम गरम कर लिया है और जो सिम साइड है उसे नीचे प्लेस किया है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, पहले खुले नहीं। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो में ही करना है क्योंकि जो अंदर अंडा है वो भी कुक करना है और इसे क्रिस्पी भी बनाना है।
जब फर्स्ट साइड अच्छे से हो जाएगी तो बहुत ही संभाल के फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें और फिर ऐसे उठा उठा के साइड्स भी सेक लें, जो साइड्स कच्ची हैं वो भी अच्छे से सेक जाएं, इवनली क्रिस्प हो जाए, हमें इतना करना है। बहुत ही लाजवाब हमारे चिकन मैदा रोटी बनके तैयार हुआ है। इसे सर्व किया है चटनी के साथ। बाहर जो स्ट्रीट फूड पे जो तवा आइटम में मैदा रोटी मिलती है, सेम वही टेस्ट आया है। आप इस बढ़िया सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय।